अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले आज दिन भर की अपडेट्स क्या है और सोशल मीडिया से सावधान। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपको सोशल मीडिया से सावधान रहना है। शायद आपने ये न्यूज पहले ही पढ़ लिया होगा कि पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी, शिक्षा मित्र को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप भी b.ed ने मड़िहान के गुमचिया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा मित्र को शुक्रवार को नोटिस जारी कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मित्र ब्रजेश तिवारी उर्फ श्याम सोशल मीडिया पर लगातार पीएम पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, देखिए होता क्या है, अगर आप लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज, या आप लोग को टीचर बनना है, 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आपने टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है दोस्तों, तो आपको सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये समझ लीजिए। पहली बात, सरकारी टीचर नहीं बनना है तो जो मन करे बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं और गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो सरकार से बच कर रहिए, तो आपको बचना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो आप लोग की, याद रखिए, छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, आप लोग जान सकते हैं। देखिए अगर उस गवर्नमेंट नौकरी पर ना होते तो आई थिंक हमें नहीं लगता कोई उन्हें नोटिस मिलता, या कुछ उन्होंने ज़्यादा ही गलत कहा होगा तो उन्हें नोटिस मिल सकता है कि पीएम मोदी पर सिर्फ अभद्र टिप्पणी, शिक्षा मित्र को भारी पड़ा, ठीक है, विभाग ने थमाया नोटिस। देखिए ये सब बातें काफ़ी बड़ी होती है दोस्तों, अगर आप लोग भी गवर्नमेंट नौकरी करने वाले हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे अग्रेसिव मोड में आते हैं और जो मन करता है बोलते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना दोस्तों आपको भी भारी पड़ सकता है, याद रखिए। जो बच्चे 69,000 से रिलेटेड हैं सिर्फ उनके लिए जानकारी है, और जो बच्चे सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते वो तो फ्री है दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि देश में, हमारे इंडिया में, हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हम बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी नोटिस क्यों जारी किया गया। तो दोस्तों अगर वो मान लेते हैं, जो हमारे पीएम साहब हैं, मोदी जी हैं, अगर वो पीएम ना होते, सिर्फ मोदी होते, तो क्या हम उस पर, उन पर बोल सकते थे? कुछ सवाल है दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर आपको खुद ही पता होगा कि आप लोग अपने दोस्त को कुछ भी सोशल मीडिया पर बोलते तो होंगे ही, सभी लोग जो मन करता है, हंसी मजाक होती रहती है, तो क्या वो हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों आप लोग समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो दोस्तों आपको भी बचना चाहिए। हमारा मेन मोटो है बस आपको ये बताना है कि आपको अगर सरकारी नौकरी करना है तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, बस इतना समझ लीजिए। सरकारी नौकरी छोड़ दीजिएगा, जो मन करे बोल सकते हैं, तो फिलहाल सरकारी नौकरी वाले रहे सावधान। जी हाँ दोस्तों, और अब बात करेंगे आज दिन भर की अपडेट क्या थी। दोस्तों देखिए, जैसा कि आज सैटरडे था, शनिवार था, तो शनिवार को दोस्तों ज़्यादा बड़ी अपडेट्स अधिकतर देखने को नहीं मिलती, तो वैसा कुछ आज भी रहा दोस्तों। 4 मई तो आज की डेट है खाली, तो डेट के सिवा दोस्तों आज की कोई अपडेट नहीं आई। तो दोस्तों उम्मीद रहेगी कल संडे, और देखते हैं, देखिए चुनाव कैंपेन भी काफ़ी जगह चल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी 69,000 की बात नहीं होती। तो क्या दोस्तों 69,000 को सब भूल चुके हैं, 4,10,000 बच्चों को सब भूल रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इतने बच्चे काफ़ी बड़ी संख्या होती है, 4,10,000। जी हाँ दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं? तो ये आप लोग को 6 मई को वोटिंग होने वाली दोस्तों, आप लोग वहाँ पर दिखा दीजिएगा कि हमें भूलने का नतीजा क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 6 मई ये डेट याद रखिए, उस दिन वोटिंग होने वाली है आपके यहाँ, आपके घर में, जहाँ पर भी हो रही हो, बस आपके पास वोट का अधिकार है। आप भी अपनी पावर दिखा दीजिएगा कि आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं तो हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यही करना होगा। और भी अपडेट्स के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और जो बच्चे थोड़े से सावधान नहीं रहते उन्हें बचना चाहिए। देखिए हंसी मजाक बात अलग है, लेकिन बचना चाहिए दोस्तों, बस अभी इतना समझ लीजिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर ज्यादा नहीं बोल सकते, तो आप लोग भी समझदार हैं दोस्तों, तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और किनके खिलाफ आप लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा मन में विचार कीजिएगा, उसके बाद ही बोलिएगा। तो आप लोग निक नेम देख के तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप लोग समझदार हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। जैसे कोई अपडेट्स आती है दोस्तों, कल सुबह की 5 मई की पहली अपडेट्स आपको मिलने वाली है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।